किसी भी YouTube चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए उस पर एक साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक नया YouTube चैनल बनाया है और उस पर व्यूज नहीं आते तो उसका वॉच टाइम भी नहीं बढ़ेगा, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ेंगे और आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। लेकिन एक बिल्कुल लीगल और जेन्युइन तरीका है जिससे आप अपने YouTube चैनल पर व्यूज भी पा सकते हैं, वॉच टाइम भी बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। लेकिन ये पेड तरीका है, इसमें आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गूगल एड्स की। गूगल एड्स के थ्रू आप अपने किसी भी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम को बढ़ा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप गूगल एड्स का यूज करके अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। अगर बात करें व्यूज की तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 100 रुपए में 1000 तक व्यूज मिल जाएंगे और जाहिर है उसमें से कुछ लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। शुरू में आप 2000 रुपए तक जितने भी पैसे खर्च करेंगे वो सब आपको वापस मिल जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको लगभग 20,000 व्यूज और लगभग 1,000 सब्सक्राइबर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि आप 2000 रुपए जो खर्च करेंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। पहले आप अपने चैनल पर कम से कम 5 से 6 वीडियोस अपलोड करिए, इसके बाद ही आप अपने किसी वीडियो को प्रमोट करिए। किसी भी वीडियो को प्रमोट करने के लिए आप YouTube स्टूडियो में आएंगे, जिस वीडियो को भी आप प्रमोट करना चाहते हैं आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और आपको प्रमोट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहां से प्रमोट ना करके सीधे गूगल एड्स अकाउंट से ही प्रमोट करिए। अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल एड्स और सबसे पहला लिंक जो आपके पास आएगा आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहां से आप एक गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, जिससे आपको 2000 रुपए का एड क्रेडिट कोड दे दिया जाएगा, मतलब कि 2000 रुपए तक आप जितना भी खर्च करेंगे वो आपको वापस मिल जाएगा। तो यहां पर मैं अपनी एक ईमेल आईडी डाल देता हूं। यहां पर इस कैप्चा को फिल करेंगे, मैं रोबोट नहीं हूं, और गेट ऑफर कोड पर क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए हमारी ईमेल आईडी पर कोड सेंड कर दिया गया है। अब मैं यहां पर जीमेल ओपन कर लेता हूं। यहां पर देखिए हमारे पास गूगल एड्स की तरफ से एक ईमेल आया है जिसमें एक कोड दिया गया है। इसी कोड से हमें 2000 रुपए का फायदा होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। इसके बाद आप गूगल एड्स में आएंगे और यहां गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। यहां पर नीचे आपको स्विच टू एक्सपर्ट मोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आप वीडियो चूज करेंगे और नीचे आएंगे आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले आप अपने कैंपेन का नाम डालेंगे। यहां पर आप अपने वीडियो का टाइटल डाल दीजिए जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि यहां पर मैं आऊंगा स्टूडियो में और जिस वीडियो को भी मैं प्रमोट करना चाहूंगा उसको मैं यहां से एडिट पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लेता हूं। इसके बाद इस टाइटल को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। फिर यहां से हम सारे को कॉपी करके नीचे लाएंगे और नीचे यहां पर एड ग्रुप नेम है, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपने कैंपेन का टोटल डालना है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं इस कैंपेन पर, इस प्रमोशन पर। जैसे कि यहां पर मैं डाल देता हूं 1000 रुपीज। इसके बाद यहां पर आप डेट चूज करेंगे कब से आप ये कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज की ही डेट में सिलेक्ट कर देता हूं। और यहां से आप कैंपेन की एंड डेट चूज करेंगे कि किस डेट तक आप इस कैंपेन को चलाना चाहते हैं। यहां पर आप जल्दबाजी मत करिए, बल्कि कम से कम आप 15 डेज लेकर के चलिए। तो यहां पर मैं 15 मई चूज कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए 15 मई तक हमारे ये कैंपेन चलेगा और रोजाना 66 रुपए कुछ पैसे यहां पर खर्च होंगे, ये हमारा डेली बजट है। इसके बाद नीचे आएंगे नेटवर्क में, यहां पर आ जाएगा YouTube सर्च रिजल्ट, YouTube वीडियोस। तो यहां पर आप इन दोनों को अनचेक कर दीजिए, आप सिर्फ यहां पर YouTube सर्च रिजल्ट ही ऑन रखिए। अगर यहां पर आप YouTube वीडियोस वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो जब भी कोई पर्सन किसी वीडियो को स्टार्ट करेगा तो वहां पर भी आपका एड आएगा, जिसको स्कीपेबल एड बोलते हैं। आपने देखा होगा उसको स्कीप किया जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता है, आप इसको अनटिक रखिए। इसके बाद नीचे आएंगे लैंग्वेज, आप यहां से चूज कर लेंगे, जैसे कि हमारी ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में है तो हम यहां से हिंदी चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आप यहां से लोकेशन चूज कर लेंगे, आप इस कैंपेन को कहां चलाना चाहते हैं। तो यहां पर आप इंटर अनदर लोकेशन को चूज करेंगे और जितनी लोकेशन पर भी हिंदी बोली या समझी जाती है वो आप ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहां पर मैं ऐड कर देता हूं इंडिया, और मोस्टली यहां पर पाकिस्तान में भी समझी जाती है तो यहां पर हम पाकिस्तान भी ऐड कर लेते हैं। यहां पर हम नेपाल भी ऐड कर देते हैं, वहां पर भी हिंदी समझी जाती है। इसी तरह से बांग्लादेश भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो यहां से आप टारगेट करेंगे कि आप अपने कैंपेन को कहां पर शो करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर
कंट्री में या किसी पर्टिकुलर सिटी में भी इसको चला सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई और सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे एड ग्रुप नेम, जो कि हम पहले ही दे चुके हैं। यहाँ पर आप अपने वीडियो का टाइटल डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप चूज करेंगे आप अपने इस कैंपेन को किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ से आप जेंडर चूज कर लेंगे, सिर्फ मेल को दिखाना चाहते हैं, सिर्फ फीमेल को दिखाना चाहते हैं। यहाँ से आप एज चूज कर लेंगे, किस एज ग्रुप वालों को आप ये कैंपेन दिखाना चाहते हैं। तो आप यहाँ इन सबको टिक कर दीजिए, क्योंकि हमें मतलब नहीं है कि कौन हमारे वीडियो को देख रहा है। यहाँ से आप ऑडियंस भी टारगेट कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को ये कैंपेन दिखा सकते हैं। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ऐड करने होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं कि किन कीवर्ड्स को डालने पर आपका वीडियो शो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने वीडियो के रिलेटेड ही जैसे कि टैग्स लगाते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर कीवर्ड्स डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ डाउनलोड वीडियोस फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दूसरा कीवर्ड ऐड करने के लिए आप एंटर करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर आप एंटर करेंगे। यहाँ से आप कीवर्ड्स के लिए आइडियाज भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का नाम डालेंगे तो आपको काफी आइडियाज मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला सोशल मीडिया डाउनलोडर, तो देखिए काफी सारे आइडियाज आ गए हैं, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल एड्स ने एक कीवर्ड प्लानर टूल भी दिया है, वहां से भी आप कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां से आप टॉपिक चूज कर लेंगे, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप प्लेसमेंट ऐड कर सकते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे आएंगे बिडिंग, यहाँ पर आप मैक्सिमम सीपीवी बिड ऐड करेंगे कि आपके वीडियो पर क्लिक करके जब को इसको वॉच करेगा तो आपका मैक्सिमम कितना पैसा खर्च होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं 35 पैसा। आप इसको 40 पैसा कर सकते हैं, 50 पैसा कर सकते हैं, 1 रुपए तक आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपने उस वीडियो का URL डालेंगे जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम YouTube स्टूडियो में जाएंगे, या तो आप यहाँ से URL को कॉपी कर सकते हैं, या फिर जिस वीडियो को भी आप प्रमोट करना चाहते हैं आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप गेट शेयरेबल लिंक पर क्लिक करके इसके URL को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप URL को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम चूज कर लेंगे वीडियो डिस्कवरी एड, मतलब हमें स्किपेबल में इसको नहीं रखना है। और यहाँ से आप थंबनेल चूज कर लेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट जो थंबनेल है उसी को रहने देंगे। और यहाँ पर आप अपने एड का व्यू देख सकते हैं कि मोबाइल फोन पर आपका एड किस तरह से शो होगा और डेस्कटॉप पर आपका एड किस तरह से शो होगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आप अपने एड की एक हेडलाइन डाल देंगे जिसमें आप अपने वीडियो के टाइटल को ही पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए, यहां पर आप सेकंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप ऐड का कोई नाम दे देंगे, जैसे कि ऐड फर्स्ट है तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं ईशान मीडिया डाउनलोडर। इसके बाद आप यहां क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी तो वो यहां पर रेड हो जाएगी। जैसे कि यहां पर देखिए हेडलाइन में हमने एक मिस्टेक की है कि हमने इंस्टाग्राम का नाम यूज किया है, तो हम यहां से इसके नाम को डिलीट कर देते हैं और यहां पर हम कर देते हैं डाउनलोड वीडियोस इमेजेस फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क। इसके बाद हम यहां क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप प्रमोशनल कोड जो हमें ईमेल के जरिए भेजा गया था वो डालकर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। कोड देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड चूज करना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे, मनी ट्रांसफर और आप अपने पेटीएम वॉलेट को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पेटीएम से ही पेमेंट करेंगे, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर वो नंबर डालना होगा जिससे आपका पेटीएम वॉलेट बना हुआ है। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके इसी नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, कितने पैसे आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि 1000 रुपीज यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं। मिनिमम आप 500 रुपीज और मैक्सिमम आप 10,000 रुपीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हमने कुछ भी खर्च नहीं किया है, लेकिन जितना भी हम 2000 रुपए तक खर्च करेंगे वो हमें वापस मिल जाएगा और उसको हम फिर से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और प्रमोशनल कोड है तो वो आप यहाँ डालकर अप्लाई पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गूगल एड्स आपकी ईमेल आईडी पर टाइम टू टाइम काफी प्रमोशनल कोड सेंड करता रहता है। इसके बाद आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में आएंगे या आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करेंगे गूगल एड्स एप्लीकेशन, तो उसमें आप अपने कैंपेन का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने कैंपेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा। अभी ये गूगल एड्स की टीम चेक करेगी और इसके बाद इनेबल करेगी, जिसमें 12 से 24 घंटे का टाइम लगता है। इनेबल होने के बाद एड शो होने लगेगा और जितने भी इंप्रेशन आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे, जितने भी व्यूज आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे और एवरेज CPV यहाँ पर शो होगा
और व्यूज रेट यहाँ पर शो होगा, कौन से कीवर्ड पर कितने व्यूज आए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे वीडियोस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके वीडियो पर कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितने व्यूज आए हैं और कितना पैसा आपका खर्च हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके एड्स का जो स्टेटस है वो इनेबल है और यहीं से आप इसको पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यहाँ पर बजट है, आप इसको किसी भी टाइम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद कभी भी अगर आप किसी दूसरे वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो जस्ट आप गूगल एड्स अकाउंट में आएंगे और आप यहाँ न्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन चूज करेंगे, वीडियो चूज करेंगे और यहाँ आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने वही सब सेटिंग्स आ जाएंगे। आप वही सब यहाँ पर फिल करेंगे, पैसे ऐड करेंगे और आपका कैंपेन यहाँ पर रन हो जाएगा। यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पूरे अकाउंट की सेटिंग्स दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स एक कीवर्ड प्लानर टूल देता है, तो ये देखिए यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर कीवर्ड्स को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सोशल मीडिया डाउनलोडर। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई वेबसाइट है तो आप वो डालेंगे और यहाँ आप गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट डाउनलोड, ये कीवर्ड महीने में 10,000 से लेकर 1,00,000 बार तक सर्च किया जाता है और यहाँ पर आप इसका बिट प्राइस भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो जो कीवर्ड्स लेना चाहते हैं आप उनको टिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आप उनका अमाउंट भी देख सकते हैं। जिनका अमाउंट ज़्यादा है आप उनको यहाँ पर टिक मत करिए, जिनका अमाउंट कम है सिर्फ आप उन्हीं को यहाँ पर ऐड करिए। तो यहाँ पर आप इन कीवर्ड्स को ऐड कर लेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका रिजल्ट यहाँ पर अच्छा है और यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये सब कॉपी हो जाएंगे और इन्हें आप अपने कैंपेन में जाकर के पेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।